हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनितेश। और आज के इस वीडियो में मैं फिर एक बार लेकर आया हूं क्लास 7 चैप्टर एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसे प्रैक्टिस किया है, तो ये बहुत आसानी से बन सकता है। तो देर ना करते हुए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पार्ट्स हैं, तो हम 1 by 1 इसे सॉल्व करते हैं। So, take the first part. The first part is, I'm going to write first, 5 to the power 2n into 5 to the power 3, और हम बोल सकते हैं 5 cube equal to 5 to the power 9. And student, हम इसे solve कर सकते हैं law of exponent first से, जो हमें पता है that a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. It means, अगर base same है और multiply हो रहा है, तो power हम add कर देते हैं. तो same rule हमें यहाँ follow करना है. So we can write that 5, देखिए, यहाँ 5 और 5 base है, same है, तो हम एक बार लिखेंगे. And we can add their power, so we write 2n plus 3. Equal to 5 to the power 9. I hope आपको समझ में आया होगा. And now, student, हमें n की value को find out करना है. तो यहाँ पे n power के form में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है, जो हमारा base है, इसे हम छोड़ देते हैं. Only we write 2n plus 3 equal to 9. And now, student, हम क्या करेंगे, अब इस प्लस 3 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे. सो इट विल कम 2n इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड 2n इक्वल टू 9 माइनस 3 6. वेरी गुड, आपको पता है. देन अब देखिए, हमें n की वैल्यू निकालना है. सो वी ट्रांसफर दिस 2 टू राइट हैंड साइड, सो द n विल बिकम 6/2. और जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो n की वैल्यू आती है 3, बिकॉज 2 3 इज 6. तो इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो 3 होगी. आई होप आपको समझ में आया होगा. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट. सो एज यू कैन सी, एंड आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दैट 8 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 2 equal to 32. Student, ये question थोड़ा सा tricky है, but अगर आप इसे समझ से बनाएंगे तो बन जाएगा. तो देखिए क्या है question. Actually इस question में ये जो 8 है और ये जो 32 है, both are not given in the form of exponential form. So first we have to convert it into exponential form. तो student, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 cube के form में, because 2 cube means 2 into 2 into 2 equal to 8. इसी तरह we can write 32 is equals to 2 to the power 5. Because जब 2 का multiply आप 2 से 5 times करते हैं, तो ये आता है आपका 32. अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 to the power 5 है और 2 cube है, इसको हम यहाँ लिखते हैं. So in the place of 8, we can write 2 cube into 2 to the power n plus 2 equal to, in the place of 32, we can write 2 to the power 5. I hope you all understood. अब हम क्या करेंगे, according to law of exponent first, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, that a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. यही रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे. सो वी कैन राइट 2 टू द पावर 3
प्लस एन प्लस टू, इसका मतलब इस 3 और n प्लस 2 को ऐड कर देंगे, देन वी राइट इक्वल 2 टू द पावर 5। नाउ स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 और 2 है, जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। फिर से हमें पावर की जरूरत है, हमें n को कैलकुलेट करना है जो कि पावर में है, तो हम ये 2 और 2 को छोड़ देंगे, ओनली वी राइट n प्लस 5 इक्वल टू 5 एंड देन वी राइट n इक्वल्स टू 5 माइनस 5 और स्टूडेंट n की वैल्यू आ जाएगी 0। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट विच इज थर्ड नंबर, और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो फर्स्ट आई विल राइट द थर्ड नंबर, इट इज 6 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू 6 क्यूब। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये जो 36 है, ये 36 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बट याद रखिए इस क्वेश्चन में इसका जो बेस होगा वो इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो 36 वी कैन राइट 6 स्क्वायर, और अब ये 6 स्क्वायर को हम इस 36 के प्लेस पर रख सकते हैं, सो वी राइट 6 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यूब। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेकेंड, जो कि है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इट मींस अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। सो यू कैन सी दैट 6 एंड 6 बोथ आर द सेम बेस और यहाँ डिवाइड भी हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेकेंड वी कैन राइट ओनली 6 वन टाइम एंड देन वी राइट 2n प्लस 1, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे एंड देन पुट माइनस 2 बिकॉज हम 2n प्लस 1 और 2 को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स टू 6 क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट ओनली वी टेक द पावर जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, सो वी राइट 2n प्लस 1 इन ब्रैकेट माइनस 2 इक्वल्स टू 3। नाउ अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सो 2n प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 3। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये प्लस 1 और माइनस 2 को सॉल्व करेंगे, सो व्हेन यू विल सॉल्व इट विल कम 2n माइनस 1 इक्वल टू 3, और ये ऐसा क्यों होगा, बाय द इंटीजर रूल प्लस 1 माइनस 2 आपने पढ़ा होगा इट विल कम माइनस 1। देन अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, सो इट विल कम 2n इक्वल टू 3, माइनस 1 बिकम प्लस 1, देन 2n इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 एंड देन n इक्वल टू 4 बाय 2 n इक्वल टू 2, तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 है। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 17, इसके तीनों पार्ट्स हमने किए और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप देखिए, देख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स बनता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया हमको समझ में आ गया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ये आप गलती कर रहे हैं। आप बार बार मैथ्स को प्रैक्टिस करिए, किताबें पढ़िए, स्टडी करिए, टाइम दीजिए अपनी स्टडी के लिए, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चे तक पहुँचाइए कि वो देख पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे साथ मैथ्स पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। सो आज के लिए बस इतना ही,
बाय एंड टेक केयर।